दंगल चैनल की सीरियल प्यार की लुका छिपी में सृष्टि के ससुराल आने पर सृष्टि की सास ने मचा दिया है बवाल। असल में सृष्टि अपनी माँ से मिलने अपने मायके आई थी। उसकी सास और ननद भी आ जाती है क्योंकि दोनों को लगता है कि सृष्टि अपने मायके ससुराल वालों की बुराई करने आई है और इसलिए आते के साथ ही वो शुरू हो जाती है सृष्टि और उसकी मम्मी पर चिल्लाना। और बेचारी सृष्टि ना ही अपनी सासू माँ को चिल्लाने से रोक पा रही है और ना ही अपनी माँ का साइड ले पा रही है क्योंकि उसकी माँ ने अपने बीमार होने का नाटक कर सृष्टि को अपने पास बुलाया है। सीन है तो मायके में लेकिन सुना ससुराल वाले रहे हैं और मुझे बहुत काम करवाया जा रहा है जो मैंने बचपन से काम नहीं किया। झाड़ू पोछा ये वो घर के सारे काम मुझे कराए जा रहे हैं। तो मेरी मॉम बोलती है कि एक मेड रख लो और वो लेकर आती हैं, पर उस मेड को हटा दिया जाता है। और फिर मेरी मॉम झूठ बोलकर मुझे घर बुलाती हैं कि देखने के लिए कि ठीक हूँ नहीं हूँ। और इसी बीच में मेरी मदर इन लॉ आ जाती हैं और उनके सामने मैं कैसे दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी मॉम को बोल रही हूँ कि आपकी गलती है, पर मैं जानती हूँ क्योंकि उनको उनके सेंटिमेंट्स भी मैं हर्ट नहीं कर सकती बोल के कि आप गलत हो, क्योंकि मुझे उनका पता है वो जब आपको अपनी बेटी से इतना प्यार होता है तो आप उसको दुख में नहीं देखना चाहते हैं। और इधर सास को भी मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि नई फैमिली है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करें। तो बस अभी ये सीन वही चल रहा है, मेरे को दोनों साइड में मैं सही करने की कोशिश कर रही हूँ, जो आई थिंक इंडिया की मोस्ट ऑफ द बहुएं करती हैं आफ्टर मैरिज। दे वांट कि दोनों के तालमेल बहुत अच्छा हो। मैं बहुओं को मैसेज से पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि हैट्स ऑफ टू यू। मैं तो शूट कर रही हूँ और उसी में मुझे लगता है जब ऐसे सीन्स आते हैं लिखकर तो मुझे लगता है जो लोग एक्चुअली डे टू डे लाइफ में ये सब फेस कर रहे होते हैं, इट इज़ सो डिफिकल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में ये फेस कर रही हूँ इवन व्हाइल आई एम शूटिंग। बट सो हैट्स ऑफ टू यू। और कैसे आप लोग इतना सब कुछ, वो बोलते हैं ना, इतना सब कुछ एडजस्टमेंट करके बिना बोले आधी चीज़ें एडजस्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड आई होप कि सबको अच्छे ससुराल वाले और अच्छे ऐसे मिलें, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं तो बैंड बजती है। आई थिंक लड़की की ज़्यादा बजती है और लड़के की भी बजती है, स्पेशली इन लव मैरिज, क्योंकि जब आपने अपना पार्टनर चूज़ किया है तो आप क्या बोल सकते हो, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो ऑल द बेस्ट आफ्टर मैरिज पीपल।